आदाब अर्ज़े नाज़रीन, मैं समीना खातून 99 टीवी में आपका खैर मकदम करती हूँ। नाज़रीन, आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि NRC और CAA के बिल पास होने पर हिंदुस्तान की आवाम इस पर काफ़ी नाराज़ है। हमारे हिंदुस्तान को बाहर वाले मुल्क से कोई ख़तरा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के दुश्मन तो वतनी हिंदुस्तान में ही मौजूद है, जो कि मुस्लिम कम्यूनिटी के दुश्मन थे, अब हर मज़हब के दुश्मन हो चुके हैं, जैसे कि NRC और CAA। हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर मज़हब के लोग यहाँ पर मिलेंगे। हिंदुस्तान में ही गंगा जमुना की तहजीब नज़र आती है। NRC और CAA के खिलाफ हर मज़हब व मिल्लत इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इसका जीता जाता सबूत आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान में ही गंगा जमुना की तहजीब नज़र आती थी, नज़र आती है और हमेशा नज़र आती रहेगी। इसको ख़राब करने के लिए कुछ बड़े आला अहदेदार गंगा जमुना की तहजीब मिटाने की कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान की हालत को देखते हुए प्रोड्यूसर अब्दुल रहमान खान ने एक बहुत ही प्यारा मैसेज हम हिंदुस्तानी शॉर्ट फिल्म के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप YouTube पर ग्लोबल मूवी सर्च कर सकते हैं, इसी में आप हम हिंदुस्तानी मूवी देख सकते हैं। एक आवाज दूंगा, यहां से सब भाग जाएंगे। ये बटी हुई कौम है, एक नहीं हो सकती। मैंडी, हर्ष, उमर, मनिंदर, मगर ये तो हिंदुस्तान की लकड़ी है। अगर इस लकड़ी को ये चार लकड़ी के बीच में रख के सुरक्षा करें तो इसे कोई ताकत भी नहीं तोड़ सकती। फिर से आ गए, जनाब ने मना किया था ना। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, मैं किसी जनाब की भी नहीं सुनता। लो, बहुत ताकत है ना तुम्हारे उस्ताद के पास, ये लकड़ी तोड़ के दिखाओ। अगर ये लकड़ी इन्होंने तोड़ दी तो हम मान लेंगे कि ये इलाका तुम लोगों का है। चैलेंज, वाह लाले, बच्चे तो बड़ी बड़ी बातें करने लगे। ये इंडिया है अंकल, इसे तुम्हारा बाप भी नहीं तोड़ सकता। रेडी गाइस, एक डायलॉग तो मेरा भी बनता है, बोल दूं। आई विल स्ट्राइक डाउन अपॉन दी विद ग्रेट वेंजेंस एंड फ्यूरियस एंगर ऑन दोज हु अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय माय ब्रदर्स। जनाब, आपने तो बोला था ये एक नहीं हो सकते, ये तो एक हो गए। अब लगता है हम में से एक को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप लोगों को हम हिंदुस्तानी मूवी पसंद आए तो इसे फॉरवर्ड कीजिए ताकि दूसरों लोगों तक भी ये मैसेज पहुंच सके। तो नाज़रीन, देखना ना भूलिए 99 टीवी, आपका अपना पसंदीदा चैनल। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।